आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे मंचाकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपर कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्ववेदांत सारमे श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृता तृप्तस्य नान्यत्र शाद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद धाम वृंदावन रम्य काचिदुपासना ब्रज वधूवर्गेण या कल्पितम्। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम कुमार्थ महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम् तत्राधरो न परम् मूकं करोति वाचालम् अंगूलं घ्रियते गिरिम् यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम जीव की प्रार्थना का श्रवण कर रहे थे। तो हमने देखा जिसको जंतु वाचा बोला गया है, जिसमें हमने पहले भगवान ने बताया, इस अध्याय का नाम है जीव की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। इसमें हमने श्रवण किया था कि भगवान ने कहा है कि परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करके जीवात्मा को पुरुष के वीरीकरण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। इससे पहले जीव की गति क्या होती है, उससे पहले जीव के भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन किया गया था कि जो भी कर्म शास्त्र के विरुद्ध हैं वो सब विपरीत कर्म है। अध्याय का नाम है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। तो अपनी माता देवहूति को उन्होंने बताया कि विपरीत कर्म क्या होते हैं और उसके बाद जीव की गति क्या होती है। तो हम देखते हैं कि भगवान कपिल द्वारा जब विपरीत कर्मों का वर्णन किया गया तो यमदूत किस प्रकार से जीव को ले जाते हैं, किस प्रकार वो यमदूतों के द्वारा बंदी बनाया जाता है, उसे मजबूत रस्सी से गले में बांध देते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं जिससे उसे कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। जीव को उसकी ये वाला शरीर निकल जाता है क्योंकि ये तो छोड़ के चला जाता है, उसके बाद जो शरीर बचता है उसके ऊपर कवर कर देते हैं जिसको बोलते हैं यातना शरीर। फिर उसको उतना मारा, इतना कठोर दंड दिया जाता है कि यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाते समय उसे दबाया और कुचला जाता है जीव को। उसके हाथों कांपता रहता है जीव और रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और अपने जीवन के पाप कर्म याद करते हैं। इस प्रकार वो अत्यंत दुखी रहता है, मरने नहीं देते हैं उसको। जिस समय यमराज के दूत आते हैं और उनके नेत्र क्रोध से पूर्ण रहते हैं, उस तरह भय के मारे उसका मलमूत्र छूट जाता है। तो यमराज पापी व्यक्ति पर कितने क्रोध, उनकी आंखें लाल रहती, किसको अब छोड़ेंगे नहीं। इसने इसने पूरा जीवन भर अपनी इच्छा से पूरे जितने पाप करने थे किए। जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने के लिए उसे गिरफ्तार करते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और फिर घसीटा जाता है। और घसीटा भी कैसे जाता है, इसका मतलब है कि कितना कठोर दंड दिया था जीव को, जो उसको तो यहाँ पे कोई कठोर दंड इतना तो दे नहीं सकता उसको। अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू के रास्ते से ऊपर जाना पड़ता है जिसके दोनों ओर दवाग्नि जलती रहती है। चलने में असमर्थता के कारण सिपाही उसकी पीठ पर, जो यमदूत के सिपाही उसकी पीठ पर कोड़ा मारते हैं और वो भूख तथा प्यास से व्याकुल रहता है, किंतु दुर्भाग्यवश रास्ते भर में न तो उसको पीने का जल देते हैं न विश्राम करने के लिए कोई आश्रय मिलता। ये यमदूत करते हैं, ऐसा कठोर दंड देते। यमराज के धाम के मार्ग पे वो जीवात्मा थकान से गिरता पड़ता जाता है, कभी अचेत बेहोश भी हो जाए किंतु उस पुनः उठाने के लिए बाध्य किया जाता है, कोड़े मार मार के बोला उठो। इस प्रकार उसे तेजी से यमराज के समक्ष लाया जाता है। इस प्रकार 99,000 योजन की दूरी उसे 2 या 3 पलों में पार करनी पड़ती है और फिर तुरंत उसे घोर यातना दी जाती है जिसे उसे सहन करना पड़ता है। जैसे कोई की व्यक्ति किसी से रेवेंज लेता है, वो इस संसार में रेवेंज ले पाए या नहीं ले पाए, लेकिन यमदूत जो है रेवेंज लेते हैं, जो जो उसका बदला लेते हैं यमदूत, उसकी कोई सीमा नहीं लगती।
इसको इसमें जो वर्णन है उसके अनुसार तो उसके बाद अल्टीमेटली कुछ बचता नहीं है। यातनाओं की चरम सीमा जो होती है, किसी को यातना देने की जो चरम सीमा होती है, क्योंकि 99,000 योजन मतलब 7 लाख इसमें कैलकुलेशन दिए हैं। श्लोक में तो 99,000 लिखा, नवति नव चाध्वन, नवति नव चाध्वन, और उसको अगर मील में करें तो 7,07,92,000 माइल्स, इतनी लंबी दूरी को उसको सिपाही सूक्ष्म करके उसको पीटते पीटते ले जाते हैं। और किस पे? चिलचिलाती धूप में गर्म बालू के रास्ते होकर उसके दोनों ओर अग्नि जलती रहती। मतलब किसी को दंड देने की जो चरम सीमा है, चरम, उससे ऊपर कोई इस संसार में दंड, इस संसार में तो फांसी मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा, किसी ज्यादा से ज्यादा फांसी मिल जाएगी, यही होगा, इससे ज्यादा दंड क्या होगा। लेकिन यहां तो स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है उसके लिए, यहाँ पे क्या करेगा कोई, ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, वो खाने को नहीं मिलेगा, यही होगा, खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है, एक दो दिन चल गया बिना खाने के, पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आधा गिलास पानी मिल गया, एक व्यक्ति चल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ तो उसको धूप वाले रास्ते कर उसके दोनों ओर दावा नहीं चलने में असमर्थता के कारण सिपाही उसकी पीठ पर कोड़ा लगाते हैं और वो भूख और प्यास से व्याकुल होता है, चिलचिलाती धूप में और गर्म बालू के रास्ते 99,000 योजन, 7,07,92,000 जो इसी में दिया हुआ है, उसको यातना सहता रहता है, सहता है। उसके बाद वहां पे उसे जलती लकड़ियों के बीच में रखा जाता है, मरने नहीं दिया जाता, लेकिन क्योंकि ये शरीर तो नहीं रहता ना, ये तो अनुभव वाला शरीर रहता है, जो मन बुद्धि अहंकार वाला, उसके ऊपर यातना, जिससे उसको पूरा अनुभव होता रहे कि मैंने क्या क्या किया अपने जीवन, क्योंकि व्यक्ति को पूरे जीवन में अनुभव नहीं होता कि मैंने क्या क्या पाप किया, उसको पश्चाताप, अगर कोई जीवन के मृत्यु के पहले भी पश्चाताप कर ले कि मैंने क्या क्या पाप किए, मैंने कितने असत्य बोले हैं, मैंने कितना छल कपट किया, मैंने कितना ईर्ष्या किया, मैंने कितना क्रोध किया, उसे जलती लकड़ियों के बीच रखा था, उसके अंगों में आग लगा दी जाती है, और कभी कभी उसे अपना मांस स्वयं खाने के लिए बाध्य किया जाता है अथवा अन्यों द्वारा खाने दिया जाता है, या तो स्वयं मांस खाए अपना या अन्य द्वारा खाए। नरक के कुत्तों तथा गीदों द्वारा उसकी आंखें उसके जीवित रहते निकाल ली जाती, ये सब हमने जो पढ़ा था उसके समराइज करें। नरक के कुत्तों तथा गीदों द्वारा उसकी आंखें उसके जीवित रहते देखते निकाल जाती, उसे सांपों बिच्छों डांसों तथा अन्य काटने वाले जंतुओं से पीड़ा पहुंचाई जाती है, उसके अंग प्रत्यंग काट दिए जाते हैं, उसे हाथियों से चिरवा दिया जाता है, उसे पर्वत की चोटियों से नीचे गिराया जाता है, फिर उसे जल या गुफा में बंदी बनाया जाता है। जिन पुरुषों तथा स्त्रियों का जीवन अवैध यौनाचार में बीतता है, उन्हें तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र तथा रौरव नामक नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती है, ये चाहे उनका संबंध हो यौन अवैध यौनाचार का मन से हो, वाणी से हो, या कर्म से। जनरली हम कर्म वाला संबंध देख पाते हैं, मन और वाणी वाला संबंध नहीं देख पाते। भागवत गीता के प्रथम अध्याय में अवैध विषय जीवन की अत्यधिक भर्त्सना की कहा गया कि जो इस प्रकार से संतानें उत्पन्न करते हैं वे नरक को जाते हैं, और उन्हें तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र तथा दोनों नरकों में जीवन बिताना पड़ता है। कपिल मुनि ने कहा, मैं माता हूं, कभी कभी अनुभव किया जाता है, इसी लोक में हम नरक और स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस लोक में भी नारकीय यातनाएं दिखती। क्योंकि लोग, अविश्वासी लोग नरक संबंधी शास्त्रों के कथनों को नहीं मानते, इसलिए कई बार इस जीवन में भी दिखाया जाता है नरक। कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि की पुष्टि करते हैं कि मैं नारकीय परिस्थितियां इस लोक में भी दिखती है, ऐसा नहीं कि ये केवल यमराज के निवास करने पे लोक में, ये कुन के लिए है जिनको विश्वास नहीं होता। यमराज के लोग पापी पुरुषों को उन नारकीय स्थिति में रहने का अवसर प्रदान करते हैं जो उसे अगले जीवन में सहनी करनी पड़ेगी, फिर उसे दूसरे लोक में यही नारकीय जीवन बिताने के लिए। तो नरक में तो प्रैक्टिस करवाई जाती है, नरक में मल मूत्र खाने के और दंड दिया जाता है नरक में, फिर उसके लिए ये परिस्थितियां, फिर इसको क्योंकि अगले अगले जीवन में उसको वैसा करना है। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं इसके पर में कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था पिछले महा यातना शिविरों में, उनको मल खाना पड़ा था, उनको ऐसा जो बंदी बनाए गए थे महायुद्ध वर्ल्ड वार में, इसी में कुछ
50 60 साल 70 साल पहले। तो यम साधन में अपराधी को जो कभी दूसरों का मांस खाता है अपना ही मांस खाना पड़ता। इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है नारकीय जीवन बिताता है और उसके साथ उसके परिवार वाले भी। आधुनिक सभ्यता की यही भूल है कि इसमें मनुष्य के अगले जीवन में विश्वास नहीं करता, किंतु विश्वास करे नहीं करे तो भी अगला जीवन तो होता ही है। ये तो वेद पुराण के सम्मत है। अगर उत्तरदायित्वपूर्ण तो जीवन नहीं बिताता उसे कष्ट भोगना पड़ता। मनुष्य से जो निम्न कोरिन का योनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य से जो निम्न योनिया अपने कर्मों के लिए उत्तरदायित्व नहीं रहती, जैसे शेर कुत्ता, ये अपने कर्मों के लिए उत्तरदायित्व नहीं रहता क्योंकि वो तो ऑलरेडी पाप योनि है, भुगत रहे। कुत्ता मांस खा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, शेर मांस खाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो तो पाप योनि भुगत रहे, उस योनि में तो ऑलरेडी आ गए मनुष्य जीवन में। लेकिन कुत्ते को मांस खिलाने वाले तो कुत्ते के समान, क्योंकि मांस खाने और इस शरीर को त्याग करके वो अकेला नरक के अंततम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया है वही पाथे के रूप में साथ जाता। तो हमने देखा कि मॉडर्न सोसाइटी आजकल जो कुत्ते को पालती है, चाहे खुद खाते हो नहीं खाते हो पता नहीं, लेकिन कुत्ते को खिलाना पड़ता है क्योंकि कुत्ता तो वेजिटेरियन होता नहीं। पालक पालक मेथी और ऐसी गोभी और ये सब्जियां तो नहीं खाएगा कुत्ता। अब कुछ डॉग के फूड के लिए मिलते हैं ऐसे रेडीमेड जिसमें खुद नहीं मांस डायरेक्टली मीट खिलाना पड़ता, लेकिन मीट के पदार्थ। तो इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है नारकीय जीवन बिताता है और उसके साथ उसके परिवार वाले। इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक के अंततम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया है, अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उनसे छीन के लूट के चोरी करके जो धन कमाया वही पाथे के रूप में उसके साथ में जाता है। पाथे मतलब वो कर्म फलों के रूप में उसके साथ। तो किसी भी पाप कर्म से चोरी करके लूट करके ईर्ष्या करके छीन के ये कमाया और धन जो है व्यक्ति को वंश को पूरा तबाह कर देता है, पूरे वंश को खत्म कर देता है। जब मनुष्य अनुचित साधनों से धन कमाकर उस धन से अपने परिवार का तथा अपना पालन करता है तो धन यद्यपि परिवार के कई सदस्यों द्वारा भोगा जाता है किंतु नरक तो उसे अकेले ही जाना पड़ता है। जो व्यक्ति धन कमा कर या दूसरों की स्पर्धा करके जीवन का, दूसरों से कंपटीशन करके जीवन का आनंद उठाता है और जो अपने परिवार तथा मित्रों के साथ उसने आनंद उठाया है दूसरों के धन के बल, उसे अकेले ही ऐसे हिंसक तथा अवैध जीवन के पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उदाहरण, यदि कोई मनुष्य किसी को मारकर या हिंसा करके चोरी करके लूट के असत्य बोल के कुछ धन प्राप्त करता है, उस धन से अपने परिवार का पोषण करता है तो इस कमाए हुए काले धन का जो इस कमाए हुए काले धन का भोग करते हैं। इसलिए हमें किसी से धन लेते समय ध्यान रखना काला धन तो नहीं है। जिस कमाए हुए काले धन का भोग करता है, हमने सोचा फ्री में आ गया धन, तो वे भी अंशतः उत्तरदायी, तो उन्हें भी नरक भेजा जाता है, किंतु जो प्रमुख होता है उसे विशेष रूप से दंडित किया जाता है। संसार में सहायता करने के लिए बहुत सारे लोग हों, लेकिन वो पाप कर्म साथ में भुगतना पड़ता। केवल जो ब्राह्मण होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वही उसको डाइजेस्ट, या बड़े बड़े महात्मा होते हैं वो किसी के भी घर ले सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जाते थे तो प्रभुपाद को किसी भी नई जगह पर सिटी में जाते थे तो वहां का भोजन वो ले लेते थे बस नियमों के अनुसार, क्योंकि वो उस पाप को डाइजेस्ट कर सकते हैं, उनकी भक्ति इतनी उतनी महान है कि उस पाप को डाइजेस्ट।
भौतिक भोग का फल ये है कि उसे पाप फल, उसी पाप फल ही उसके हाथ लगता है, उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है, और धन नहीं, उसके द्वारा कमाया गया धन तो इसी संसार में रह जाता है, अपने साथ केवल कर्म फल ले जाता है। यदि संसार में कोई, संसार में यदि कोई मनुष्य किसी व्यक्ति की हत्या करके कुछ धन प्राप्त करता है तो उसके परिवार को फांसी नहीं दी जाती, जबकि उसके, हालांकि वो सब पाप से दूषित रहते हैं, किंतु गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है कि जो किसी का चोरी करके, लूट के या मर्डर करके धन लेता है, उसमें फांसी किसको मिलती है? पनिशमेंट उसके परिवार के सदस्य को नहीं मिलती, किसको मिलती? उस व्यक्ति को मिलती है जो करता है। लेकिन भगवान के नियम में परिवार के, जिन्होंने उस सब का शेयर खाया है, वो सबको मिलता है। लेकिन प्रत्यक्ष अपराध करता अप्रत्यक्ष भोक्ता की अपेक्षा पाप कर्मों के लिए अतिरिक्त है। अतः परम विद्वान चाणक्य पंडित कहते हैं कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसे सत्कार्य में या भगवान के लिए व्यय कर देना चाहिए, क्योंकि कोई अपने साथ धन दौलत नहीं ले जाता, धन दौलत यही रह जाती है, नष्ट हो जाती है। अतः या तो हम धन को त्यागें अन्यथा धन हमें त्याग देगा, किंतु हम दोनों से विलग, हम दोनों विलग होकर रहेंगे। जब तक धन हमारे पास में, तब तक उसका सर्वोत्तम उपयोग यही है कि कृष्ण भावनामृत में प्राप्त करने में इसका पूरा व्यय कर दिया जाए। आगे के श्लोक में इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए नारकीय अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लूट गई। तो व्यक्ति धन कमाते समय सोचता नहीं कि मैं कितना पाप कर रहा हूं, किसके लिए? केवल परिवार के सदस्यों को प्रसन्न करने के लिए। अपने तथाकथित परिवार के पालन पोषण में लगातार इस प्रकार उस धन को, और इस तरह मूर्खतापूर्ण अवैध कर्म करता रहता है। संपत्ति लूट जाने पर शोक करने से क्या लाभ, किंतु जब तक पास में संपत्ति रहती है उसका समुचित उपयोग करके शाश्वत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यहां तर्क किया गया कि जब मनुष्य पाप कर्म के द्वारा अर्जित धन को छोड़कर मर जाता है तो अपने धन के साथ पाप कर्म भी छोड़ जाता है, किंतु यहां उल्लेख विशेष उल्लेख कि देवी व्यवस्था से यद्यपि अपने धन छोड़ जाता है, किंतु उसके प्रभाव को, पाप कर्म भी छोड़ जाता है और उसके प्रभाव को ले जाता है अपने साथ, उसका जो इफेक्ट है, जो दंड भोगना है वो अपने साथ में ले जाता है। यदि कोई धन चुरावे और पकड़ा जाए और उस धन को राज्य के कानून के अनुसार भले बाद में लौटा दे, उस धन को 10-15-20 साल बाद लौटा दे उसके धन को, किंतु उसे दंड तो, ऐसा नहीं कि कोई किसी ने चोरी की, लूटा किया, छीना और उसको 10-15 साल बाद लौटा दिया, तो क्या गवर्नमेंट उसको करेगी जेल देगी? नहीं, गवर्नमेंट फिर भी जेल देगी क्योंकि उसने लूटा था धन। हिंसा करके धन लूटा था तो कानून के अनुसार भी अगर भले लौटा दे किंतु उसे दंड भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं कि चोर चोरी करे और उसके बाद में बोल दे कि मैं आपका धन वापस दे दिया मैंने। इस प्रकार अपराध द्वारा धन अर्जित धन मरते समय भले ही छूट जाए, किंतु देवी व्यवस्था के अनुसार उसके फल को अपने साथ ले जाना पड़ता है। कोई व्यक्ति बोलेगा, अरे मैंने जो कमाया था पाप से छोड़ गया ना, मैं तो छोड़ दिया, मैंने पीछे छोड़ गया था। नहीं, उसके प्रभाव को ले जा रहा है साथ। हालांकि धन तो पापमय हो गया, वो जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तब, लेकिन वो जो है उसके प्रभाव को ले गया, अतः उसे नारकी जीवन भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति, अतः नेक्स्ट श्लोक में आता है 33वें में, अतः जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से, गलत साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए लालायित रहता है, वो निश्चय ही अंधतामिष्ट नामक ग्रंथ। कई बार व्यक्ति सोचता है मैं गलत साधनों से भी ले लूं, अपने परिवार का पालन कर लूं, उनको खुश कर लूं, लेकिन इसमें लिखा है मनुष्य को अपनी योग्यता के अनुसार निष्ठा पूर्वक काम करना चाहिए। उसे अनुचित ढंग से, जिनके लिए वो योग्य नहीं है, अनुचित ढंग से जीविका किसी भी तरीके से अर्जित नहीं करनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण को धर्माचारी के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं हो, लेकिन अगर वो धर्माचार्य के काम कर रहा है तो वो जनता को ठग रहा है। मनुष्य को ऐसे अनुचित साधनों से धन नहीं कमाना चाहिए। यही बात क्षत्रिय तथा वैश्य पर भी लागू होती है। इसका विशेष उल्लेख कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहते हैं उनकी जीविका के साधन अत्यंत न्याय उचित तथा जटिलता रहित होने चाहिए।
नो कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल तरीके से, या उसके लिए कि जो अनुचित अनुचित साधनों से जीविकोपार्जन करता है उसे गहनतम नरक में भेजा जाता है, अन्यथा यदि वह शास्त्रोक्त विधियों से तथा ईमानदारी के साथ परिवार का भरण करता है तो पारिवारिक बनने में किसी को कोई आपत्ति नहीं। समस्त कष्ट कर नार की परिस्थिति, अगला श्लोक है, समस्त कष्ट कर नार की परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जन्म के निम्न रूपों को क्रमश पार करते इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए वो इस पृथ्वी पर पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। समस्त नाश नाश की परिस्थितियों को भोग भोग के और पशु जीवन पक्षी जीवन सारे जीवन को बिता बिता के निम्नतम जीवन इस प्रकार अपने पापों को भोगता, फिर उसको करोड़ों साल बाद फिर से मनुष्य जन्म मिलता। इस प्रकार से ये समरी हुई थी और इसी के पश्चात जीव की गतियां, ये तो हुआ जो विपरीत काम किए उसके और उसका गति क्या होता है, ये कपिल मुनि अपनी माता को बता रहे हैं कि किस प्रकार से जीवात्मा पुरुष के वीर कर्ण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं, पांचवी रात में मिश्रण बुलबुले का रूप धारण करता है, दसवीं रात्रि को बढ़कर बेर जैसा हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है, एक महीने के अंदर सिर बन जाता है और दो महीने के अंत में हाथ पांव तथा अन्य अंग का अन्य अंग आकार हो जाते हैं, तीसरे मास के अंत में नाखून उंगलियां अंगूठे रोएं हड्डियां तथा चमड़ी बन जाती है और इस तरह जनेन्द्रिया तथा आंखें नथुने कान मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट होते हैं तीसरे मास के अंत। गर्भ धारण के 4 महीने के भीतर 7 मुख्य अवयव रक्त रस रक्त मांस चर्बी हड्डी मज्जा तथा वीर्य बनते हैं। 5वें महीने में उसको भूख और प्यास लगने लगती है बालक को और 6 मास के अंदर झिल्ली के अंदर गर्भ के उत्तर उत्तर के दाहिनी में चला जाता है। 6 मास के अंत तक शिशु का शरीर पूरी तरह बन जाता है 6 मास तक, और यदि वो भ्रूण नर हुआ मेल हुआ तो दाहिनी ओर चला जाता है, किंतु मादा होने पर बाईं ओर चला जाता है। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल के पोषण से प्राप्त करके वो भ्रूण बढ़ता है और मलमूत्र के घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपज होने का स्थान है रहा जाता है। तो शिशु माता द्वारा स्वांगीकृत भोज्य पदार्थ पर पूर्णतः निर्भर करता है, अतः गर्भावस्था में माता द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन पर प्रतिबंध रहते हैं। गर्भिणी माँ को अधिक नमक मिर्च प्याज आदि खाने की मनाही, क्योंकि शिशु का शरीर अत्यंत कोमल होता है और इस तरह तिक्त वस्तुएं सहन नहीं करता, क्योंकि माता की एक आंत जो है उसमें से एक आंत जो है वो शिशु का जो नाल है उससे कनेक्ट रहती, तो माता की आंत से डायरेक्टली लाइवली वो भोजन वहां पे पहुंचता है शिशु के नाल में उसके नाभि से, जो इस तरीके से इधर तीखा भोजन तो उधर उसको जलन होगी। तो हमें वैदिक साहित्य से पता लगता है कि समाज में शिशु उत्पन्न करने की ओर कितना ध्यान दिया गया था, क्योंकि इससे पीढ़ी बना रहे हैं, इससे हम एक पीढ़ी तैयार करें, वंश तैयार करें, इससे हम परिवार तैयार करें, समाज तैयार करें, विश्व देश तैयार करें, विश्व तैयार करें, मानवता तैयार करें। तो वैदिक साहित्य से पता लगता है कि समाज में उत्तम शिशु उत्पन्न करने को कितना ध्यान दिया जाता। समाज के उच्च वर्णों में प्रसंग के पूर्व हस्बैंड और वाइफ के मिलने के पूर्व गर्भाधान उत्सव का विशेष महत्व, सबका आशीर्वाद लेने के लिए नमस्कार किया जाए, केवल मात्र आशीर्वाद के लिए। गर्भावस्था के समय वैदिक साहित्य में संस्कृत अन्य विद्या भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिशु की देखभाल करना माता पिता का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि इससे समाज के ऐसे समाज ऐसे लोगों से पूर्ण हो सकेगा जैसे समाज देश तथा मानव जाति के लिए शांति तथा संपन्न, उसका चरित्र जो है उसको खाने पीने का प्रतिबंध इसलिए कि उसका चरित्र बने। यह व्यक्ति ऊपर से खाने पीने का उसको सारा कर देते, ये प्रोडक्ट है रेडीमेड प्रोडक्ट है उसे खिला खिला उसको मोटा तो कर देंगे लेकिन चरित्र के नाम पे शुद्धता नाम पे कुछ नहीं। उधर में भूख कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती, बहुत कोमल रहता उसको पीड़ा होती। इस भयावह स्थिति का क्षण क्षण अचेत हो जाता है। तो अतः संसार की कष्टप्रद स्थिति का अनुभव हमें माता के गर्भ से बाहर निकलने पर नहीं,
माता के गर्भ में ही हो जाता है कि संसार की स्थिति क्या है। ये कष्टप्रद जीवन उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब जीव शरीर से संपर्क स्थापित करता है। दुर्भाग्यवश हम इस अनुभव को भूल जाते हैं और जन्म के कष्टों पर गंभीरता से विचार नहीं करते। भागवत गीता में कहा गया कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की कठिनाई को समझने के प्रति सचेत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। जिस प्रकार शरीर निर्माण के समय हमें माता के गर्भ में जीव को अनेक कष्ट होते हैं, सहने होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी जैसा जन्म होता है वैसी मृत्यु भी होती है। मृत्यु के समय अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। ऐसी कष्ट परिस्थितियों के होते हम माया के प्रभाव को सब कुछ भूल जाते हैं, माया में फिर एंजॉय करने लगते हैं। माता के खाए कड़वे, तीखे और अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा होती रहती है जो प्राय असहनीय होती है। तो माता ही पहले अत्याचार करने लगती है, जो इस माता का वो पहले शिशु के ऊपर अत्याचार कर। कटु तीक्ष्ण लवण रुक्ष अम्ल आदि भी, कड़वे तीखे अत्यधिक नमकीन है खट्टे भोजन का शिशु के शरीर में निरंतर प्रवृत्ति जो प्राय असहनीय है। शिशु के लिए ऐसी स्थिति में रहना अत्यंत कठिन होता है, किंतु फिर भी शिशु को रहना पड़ता है। चेतना का ठीक से विकास न होने के कारण शिशु शान करता है, अन्यथा मर जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति मर जाएगा जिस परिस्थिति में शिशु रहता है, कैसे रह सकता है? इधर से कीड़े काट रहे हैं, उधर से वो तीखा भोजन, उधर सारा खट्टा तीखा अमली कड़वा। ये तो माया का आशीर्वाद है कि जो कष्ट सहने वाले शरीर को ऐसी भीषण यातना सहने की शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि माया को लाना है उस बालक को शरीर से बाहर और कष्ट देना। झिल्ली से, अगले श्लोक में बताते हैं, झिल्ली से लिपटा हुआ बाहर से आंतों द्वारा ढका हुआ शिशु उधर में एक और पड़ा रहता है साइड में, उसका सिर और पेट मुड़ा रहता है। कभी बच्चे का पिक्चर भी देखेंगे, माता के सिर और पेट मुड़ा, गोले से सिर पर मुड़ा था, उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार में मुड़े रहते हैं। भागवतम में लिखा है वैसा कि उसे पिक्चर देखने को मिलता है, पूरा गोले से मुड़ा रहता। अगर किसी मनुष्य को इस अवस्था में रखा जाए तो उसके लिए तो एक क्षण भी जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। दुर्भाग्य हमें सारे कष्ट याद नहीं रहते और हम इस जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं। हम जन्म मृत्यु के पास से आत्मा को मुक्त करने की तनिक भी चिंता नहीं करते। यह हमारी सभ्यता का दुर्भाग्य की बातें ठीक से आधुनिक युग में माता पिताओं द्वारा नहीं समझाई जाती, जिससे लोग संसार की नाजुक स्थिति को समझ सकें। सबसे पहले तो माता पिता की मिस्टेक है कि वो कुछ नहीं सिखाते। इस तरह शिशु पिंजड़े के पक्षी के समान बिना हिंडोले रहता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ, अगर भाग्यवान हो तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण आते हैं और दुख से आहें भरता है। भला ऐसी दशा में मन शांति कैसे संभव? इसके बाद आगे वाले श्लोक में इस प्रकार गर्भपात के पश्चात 7वें मास से चेतना का विकास होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती और उस पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान एक स्थान में नहीं रह सकता। तो इसके प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि एक स्थान पर नहीं रह जाता शिशु से, क्योंकि वो हिलता डुलता है, क्योंकि प्रसव के पूर्व सारा योनि तंत्र शिथिल पड़ जाता है। यहाँ पर कीड़ों को, उसके साथ जो कीड़े हैं उसको सोदर बोला गया। सोदर करते हैं, वास्तविक करते हैं एक ही माता से उत्पन्न, तो कीड़े भी उसके भाई कहलाए, भाई बंधु भाई बहन कहलाए कीड़े भी। कीड़े क्योंकि एक साथ ही तो जन्म लिया। हम भाई बंधु किस किस आधार पर मानते हैं कि हमने एक ही माता के घर से जन्म लिया, एक ही ब्लड से हम उत्पन्न, तो कीड़े भी तो हमारे भाई हैं कि कीड़े भी उसी गर्भ से जन्म लेते हैं। तो जो हमारे भाई बंधु का रिश्ता है उसका तो फिर कीड़े के साथ भी होना चाहिए। कीड़े भी उसी माता के तो गर्भ से निकले, चूंकि शिशु माता के गर्भ से उत्पन्न होता है, तो कीड़े भी उसी माँ के गर्भ के भीतर सड़न से उत्पन्न होते हैं। तो शिशु तथा कीड़े वास्तव में भाई भाई। हम मनुष्य में भ्रातृत्व स्थापित करने के लिए सुख देते हैं, किंतु कीड़ों को भी अपना भाई मानना चाहिए। अन्य प्राणियों की बात तो दूर है, इसलिए हमें समस्त प्राणियों के प्रति चिंतित रहना चाहिए, केवल अपने भाई बंधुओं के प्रति नहीं।
आगे के श्लोक में, इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के सात आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है, इस अवस्था में भगवान से प्रार्थना करता है, जिन्होंने इस स्थिति में ला के रखा है, भगवान से प्रार्थना करता है। उसके बाद ये प्रार्थना जो हम करते हैं, जंतु वाचा, जंतु मतलब वो जीव जो शिशु, उसको जंतु बोला गया, वो माता के घर में बोलता है, जीव कहता है भगवान मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूप में प्रकट होते हैं, इस भूतल पर घूमते हैं, मैं उन्हीं की शरण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे जीवन अवस्था प्राप्त हुई थी जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। एकदम जो मुझे दुख मिला है, मैंने जो अपवित्र कार्य किए थे उसके सूट करता है, मेरे मेरे जीवन अवस्था प्राप्त हुई मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप। इसके बाद वो बोलता है कि मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्था वशी समय माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यहाँ पर मेरे साथ हैं, किंतु जो अप्रभावित और अपरिवर्तनशील आत्मा के साथ परमात्मा भी रहता है, वे असीम है किंतु सतत हृदय में देखे जाते हैं, मैंने उस समय सादर नमस्कार करता हूँ। ये कौन सा शिशु प्रार्थना करता है माता के घर में सुजन में, जो पुण्यवान है, मैं अपने उस पंचभूत से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया, फलतः मेरे गुण तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है, यद्यपि मूलतः आध्यात्मिक हूं, चूंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमा में आता है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जीव आगे प्रार्थना करता है, जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है, जन्म तथा मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता है, हार्ड लेबर करता है, ये बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है, उसको जो भी विस्मृति उसके कारण बंध गया, भगवान को याद कर ले तो मुक्त हो जाएगा, भूल जाएगा तो बंध हो जाएगा, बस इतना सा है। बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सके, भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है, ये काल की इन तीनों अवस्थाओं में उपस्थित रहता है। अतः बद्ध जीव उनके आदेश से विभिन्न कर्मों में रहते हैं और इस बद्ध जीव के तीनों तापों से मुक्त होने के लिए हमें उन भगवान की शरण लेनी चाहिए। अपनी माता के उदर में रक्त मल तथा मूत्र के कूप में गिरकर और अपनी माता की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता है, प्रार्थना करता है, भगवान ये अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा, हे भगवान आपकी अहेतु कृपा से मुझ में चेतना ही, यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूं, पतित आत्माओं के मित्र भगवान की इस अहेतु की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं जब पतित करने के, तुम मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करते है क्या मेरे पास। उसके बाद आगे श्लोक में बोलते हैं 11वें श्लोक से 19वें श्लोक से, पश्यति अयम भीषणयानन सप्त वृद्धि शारीरिकेदं शरीरीय परस्वते यत श्रेष्ठ्यासं तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्दि च चैत्यं इव प्रतीतम्। अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंत प्राण से देखता है, वो इस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य अनुभव से परिचित होता है। ये जो जीव अंदर ही अभी प्रार्थना कर रहा है, किंतु मुझे एक ऐसा शरीर प्राप्त है जिससे मैं अपनी इंद्रियों को वश रखता हूँ और अपने गंतव्य को समझता हूँ, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे शरीर प्राप्त हुआ और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूँ। तो तात्पर्य विभिन्न प्रकार के शरीरों की विकास क्रिया फूल के फलने के समान, जिस प्रकार फूल की कई अवस्थाएं होती, कली विकासमान फूल, पूर्ण विकसित फूल तथा सुगंध और सुंदरता से पूरित फूल, उसी प्रकार क्रमिक विकास में 84 लाख योनियां होती है और निम्नतर योनि से उच्चतर योनि में क्रमबद्ध उन्नति रहती है। मनुष्य जीवन सर्वोच्च समझा जाता है क्योंकि इसमें जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छूटने की बुद्धि रहती है। माता के गर्भ में स्थित भाग्यवान शिशु अपनी श्रेष्ठ सृष्टि को समझता है और इस तरह अन्य प्राणियों से पृथक रहता है, जो ऐसा भाग्यवान जीव रहता है। मनुष्य नीचे के पशुओं में सुख दुख की चेतना रहती है, किंतु वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं, खाना सोना संभोग सुरक्षा आदि कुछ सोच नहीं पाते। मनुष्य से नीचे के पशुओं में, लेकिन मनुष्य भी सारा ऐसे ही सोचते हैं, किंतु ईश्वर कृपा से मनुष्य में चेतना इतनी विकसित रहती है कि
कि वो अपनी द्वितीय स्त्री का मूल्यांकन कर सकता है और आत्मा तथा परमात्मा दोनों का साक्षात्कार कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं। दम शरीर का शब्द का अर्थ है हमें ऐसा शरीर प्राप्त है जिसे हम इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकते हैं। भौतिक भौतिक जीवन की सारी जटिलता अनियंत्रित मन तथा अनियंत्रित इंद्रियों से। मनुष्य को ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए कि उसे ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर मिला और उसका सही से उपयोग करना चाहिए। पशु तथा मनुष्य का यही अंतर है। पशु तथा मनुष्य का अंतर है कि पशु अपने आप को वश में नहीं रख सकता, उसमें शिष्टता का भाव नहीं है, जबकि मनुष्य में शिष्टता का भाव तथा आत्मनियंत्रण रहता है उसका उपयोग। शिष्टता मतलब है एटिकेट, शिष्टाचरण, कि बाहर का बिहेवियर नहीं, अंदर का एटिकेट जो भगवान के प्रति। यदि मनुष्य इस नियंत्रण शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर पाता तो पशु के तुल्य है। जैसे मनुष्य का पशु का एटिकेट के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता, आप जाते जाते भी कुत्ता आपको भौंकने लगता है, अरे भाई आपने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी भौंकने लगता है कि उसके एरिया से जा रहे हैं। सामान्य मनुष्य का ये एटलीस्ट बेसिक एटिकेट है कि अगर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करें, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करे। अगर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करें, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करे, बेसिक एटिकेट। लेकिन इस संसार में पशु जैसी वृत्ति है, परिवारों में डिस्टर्बेंस, समाज में डिस्टर्बेंस, देशों में डिस्टर्बेंस, इंद्रियों के निरंतर योग विधि से मनुष्य स्वयं को, परमात्मा को, संसार को तथा इन सबके पारस्परिक संबंधों को समझ सकता है। इंद्रियों के निरंतर से सब कुछ समझ आता है, अन्यथा हम पशु तो। यहाँ पर इंद्रियों के नियंत्रण द्वारा आत्म साक्षात्कार की व्याख्या की गई। मनुष्य को चाहिए कि भगवान तथा अपने को भी देखने का प्रयत्न करे। अपने को परमेश्वर समझना आत्म साक्षात्कार नहीं है। यहाँ स्पष्ट बताया कि परीक्षण परमेश्वर अनादि या पुराण है या उनका कोई कारण नहीं है। जीव भगवान के अंश के रूप में पैदा होता है। ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई अनादि राधिर गोविंद, परम पुरुष गोविंद का कोई कारण नहीं है, वह अजन्म है किंतु जीवात्मा उनसे उत्पन्न। भगवद गीता में पुष्टि की मम एव अंश जीव लोक, जीव तथा परमेश्वर दोनों अजन्म है, किंतु जान लेना चाहिए कि अंश का परम कारण भगवान। अतः ब्रह्म संहिता कहती प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि जन्मादि कहते हैं, परम सत्य ही हरेक के जन्म का मूल स्रोत। भगवद गीता में कृष्ण का कथन है, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं हर वस्तु का जन्म स्रोत हूँ, जिसमें ब्रह्मा शिव तथा अन्य जीव सम्मिलित है। ये आत्म साक्षात्कार है। मनुष्य को जानना चाहिए कि वो परमेश्वर के अधीन है, उसे अपने परम स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए, अन्यथा उसे बद्ध जीवन में क्यों रखा जाता। अगर स्वतंत्र होता तो बद्ध जीवन में क्यों, भौतिक जगत में क्यों आता। स्वतंत्र नहीं है वो, भौतिक रूप से अपने आप को स्वतंत्र करता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है, भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित। आगे बोलते हैं, साहम वसनापि विभो बहु दुख वासम गर्भात्म निज निर्जी गमीशे भयंत कूपे यत्र उपयातम उपसर्पति देव माया मिथ्यामति यत् अनुसंस्रति चक्रमेत। अतः प्रभु यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं माँ के गर्भ के बाहर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता हूँ। ये पुण्य आत्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं अंदर गर्भ के अंदर। देव माया नामक अपनी आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती। माया बाहर आके एकदम नवजात शिशु को पकड़ लेती, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। और उसके बाद तुरंत झूठा स्वरूप का ज्ञान चालू होता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरी भतीजी है, फिर भतीजे के उनके पैते, ये सब मेरे रिश्तेदार।
उसके झूठा स्वरूप ज्ञान उसका। ये मनुष्य कहां कहां तक रिश्तेदारी रखता है झूठे स्वरूप ज्ञान। एक जनरेशन रख लिया, दो जनरेशन रख लिया, तीन तीन जनरेशन, चार चार जनरेशन, पांच पांच जनरेशन, जब तक वो जीवित है वो सारी जनरेशन को जब तक तात्पर्य बताते हैं प्रभुपाद, जब तक शिशु अपनी माता के घर में रहता है उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण अथवा भयावह रहता है, किंतु उसका लाभ यह होता है कि भगवान के साथ अपने संबंध की शुद्ध चेतना जागृत कर लेता है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। किंतु उधर से बाहर आते ही जब शिशु का जन्म होता है तो माया इतनी प्रबल होती है कि उसे तुरंत घेर कर शरीर का स्व बनवाया जाता है। माया का अर्थ जो नहीं है अर्थात भ्रम है, माया करते जो नहीं अर्थात भ्रम। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने अपने को शरीर से पहचानता और मिथ्या कर कहता है कि मैं यह शरीर हूं, और शिशु के गर्भ के बाहर आते से निकलते उत्पन्न हो जाता है। माता तथा संबंधी शिशु की प्रतीक्षा करते हैं, माता तथा संबंधी शिशु की प्रतीक्षा करते हैं, और जो ही पैदा होते माता उसे दूध पिलाने लगती है, सभी उसकी देखरेख करते हैं। जी तुरंत अपनी स्थिति भूल जाता है और शारीरिक संबंध में उलझ जाता है। फिर उसकी चिंता क्या चली होती, मेरे शरीर से कौन कौन संबंधित है, इन शरीर से, मेरे शरीर से संबंधित लोगों को मैं किस तरह से इस संसार का शोषण करके अधिकतम लाभ पहुंचाऊं। सारा संसार देहात्म बुद्धि का बंधन है। वास्तविक ज्ञान करते चेतना को विकसित करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, परमेश्वर का अंश है, तो फिर सारे शरीरों को समान रूप से देखेगा। नहीं तो इसमें अगर वो शरीर के संबंध करता मैं, मेरे भाई, मेरे भतीजे, भतीजे, उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उनके लिए मैं सारे संसार को कष्ट देने को तैयार हूं, किसी से भी कुछ छीनने को तैयार हूं, चाहे वो उनके हक का हो या नहीं हो, उनकी खुशियां है, मेरी खुशियां है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ इस चेतना को विकसित करना कि मैं शरीर में, मैं आत्मा हूं, परमेश्वर का अंश हूं। मनुष्य का जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाता है, अतः शिशु ये प्रार्थना करता है कि बाहर निकलने की अपेक्षा गर्भ में ही रहना श्रेष्ठ। कहा जाता है कि यही सोचकर सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में 16 वर्ष तक रहा है, क्योंकि मिथ्या देह बोध के बंधन में नहीं फंसना चाहते थे। कई बार तो कई रिलेशनशिप इतने इतने भार रहते, बोझ रहते, ये मात्र केवल इस संसार में आते व्यक्ति तो मात्र कुछ रिलेशनशिप कष्ट देने के लिए ही होता है। तो वे मिथ्या देह के बोध के बंधन में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए माता गर्भ से बाहर नहीं आए। अपनी माता के घर में ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करके 16 वर्ष बाद वे गर्भ आए और तुरंत उन्होंने घर छोड़ दिया, जिससे वे माया के वशीभूत न हो। माया बार बार माया के वशीभूत, मतलब ये जो संबंध है भ्रम के संबंध है, और जब तक व्यक्ति को रियलाइज होता है कि मैंने भ्रम के संबंध में इतने सारे पाप कर लिए, इतने सारे पाप कर लिए, इकट्ठे कर लिए अपने सिर के ऊपर, तब तक तो जीवन ही खत्म हो जाता, उन सब पापों का बोझ लेके जाता है, केवल मात्र अपने संबंधियों के लिए उसने सारे पाप किए, उन्हीं के लिए झूठ बोला, उन्हीं के लिए चोरी किया, उन्हीं के लिए छटकपट किया, उन्हीं के लिए
धोखाधड़ी किया, उन्हीं के लिए ये किया, उन्हीं के लिए था, उन्हीं के लाभ के लिए सोचा। भागवत गीता में भी माया के प्रभाव को दुर्लभ्य कहा गया, किंतु दुर्लभ्य माया एकमात्र कृष्ण भावनामा से पराजित होती। तो माया जो भ्रम में डालना, भगवान की तरफ से रियलिटी से भ्रम में डालना, ये माया है। वास्तविकता से भ्रम की तरफ ले जाना, ये माया। उसको वास्तविकता से पीछे खींच, तो इसकी पुष्टि भागवते माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। तो व्यक्ति माया से कब बाहर, इस भ्रम से कब, जैसे सब कोई व्यक्ति एक दूसरे से बोलते हैं भ्रम में नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, संसार में हम बोलते हैं तो भ्रम, लेकिन सबसे बड़े भ्रम में तो हम लोग हैं, जिनकी प्राथमिकता है हमारे शरीर के संबंधी कौन कौन है। इस शरीर के संबंध व्यक्ति अपनी ड्यूटी भी भूल जाता है कि क्या उसकी ड्यूटी थी, और इस शरीर के भ्रम में रहकर क्या कर दिया उसने। मामे एवं प्रपद्यन्ते माया, इससे बाहर निकलने का तरीका भागवत गीता में बता रहे हैं। मामे एवं प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो भी कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है उसे इस झूठे जीवन बोध से बाहर निकल सकता। केवल माया के प्रभाव से ही मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंधों को भूल जाता है, और अपने शरीर को तथा शरीर के गौण अवयव, पत्नी, संतान, समाज, मित्रता, प्यार आदि समझने लगता। वास्तव में संसार का जो प्रेम है वो भी झूठा है, क्योंकि जब भी प्रेम में प्राथमिकता आएगी तो व्यक्ति अपने शरीर से संबंध वालों, जो शरीर से संबंध है उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी उसकी। इस प्रकार वो माया का तो अपने शरीर तथा शरीर के गौण अवयव, पत्नी, संतान, समाज, मित्रता, प्यार आदि समझने लगता है, जब कृष्ण से संबंध को भूल जाता है। इस प्रकार माया का शिकार हो जाता है, और उसका निरंतर जन्म तथा मृत्यु का भौतिकतावादी जीवन और भी कठिन बन जाता है। उसका निरंतर जन्म मृत्यु का भौतिकतावादी जीवन और भी कठिन बन जाता है। जितने ज्यादा संबंधी उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। दूर दूर के संबंधियों में किसी की मृत्यु होगी, किसी का जन्म होगा, किसी का, दूर दूर के संबंध भी। आगे किसी श्लोक में बोलते हैं, तस्मात हम गत विकल्प दृशे आत्मानमाशु तमस सुरद आत्मनेव यथा व्यसनम एतत् अनेक रंध्रम मामे भविष्यत् उपसादित विष्णुपाद। अतः और अधिक शुद्ध न होकर मैं अपने मित्र श्री शुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। अभी शिशु अंदर बोल रहा है, अभी उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, और अधिक जो पुण्यात्मा है, और अधिक शुद्ध न होकर मैं अपने, और डिस्टर्ब नहीं होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना, तो उसका भी मित्र किसको बता रहा है, चेतना जो है मेरी मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा, ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं अंदर। केवल भगवान के विष्णु को चरण कमलों के अपने मन में धारण करके मैं बार बार मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रवेश करने से बच सकूंगा, ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं अंदर। तात्पर्य संसार के कष्ट उसी दिन से प्रारंभ हो जाते जब आत्मा माता तथा पिता के रज तथा शुक्र में शरण धारण करते, और ये कष्ट माता के गर्भ से निकलने के बाद और भी आगे चलते रहते। हम नहीं जानते कि इन दुखों का अंत कहाँ है,
इसका अंत तो कोई बोलेगा मृत्यु पे हो जाएगा, अंत नहीं, इसका अंत शरीर बदलने से भी नहीं होता है दुखों का। यह शरीर क्षण प्रति क्षण परिवर्तन तो होता है, किंतु इसका अर्थ नहीं कि हम गर्भावस्था की तुलना में उन्नति करके फिर सुखी स्थिति को प्राप्त कर सकते। कोई सोचे कि मैं गरीब हूं तो धनी बन जाऊंगा, तो हो जाएगा अगले जन्म में थोड़ा धनी बन जाऊंगा, क्या बोल रहे हैं? शरीर बदलने से ही नहीं होता है, धनी क्या बनोगे, मनुष्य भी क्या, पशु भी बन जाओ, कोई बन जाओ, दुखों का अंत नहीं होता। सबसे अच्छा है कि कृष्ण भावना मत को विकसित किया जाए, अतः सबसे अच्छा है कि कृष्ण भावना मत का विकास किया जाए। यहाँ पर उपसाधित विष्णुपाद का गया श्लोक में, जिसका अर्थ है कृष्ण भक्ति की अनुभूति। जो बुद्धिमान है और कृष्ण भक्ति उत्पन्न कर सकता है, उस जीवन में सफल होता है, क्योंकि केवल कृष्ण भक्ति करने से ही वह जन्म तथा मृत्यु के चक्कर से बच सकता है, उस दुख से परमानेंट। शिशु प्रार्थना करता है कि अंधकार के गर्भ में रहकर निरंतर कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहकर बाहर निकलकर पुनः माया के चंगुल में पड़ने से श्रेष्ठ करी। शिशु क्या प्रार्थना करता है कि बेटर है कि मैं अंधकार में गर्भ में जो कष्ट पा रहा हूं इसी में रह जाऊं, यहीं पे कृष्ण भक्ति करके तल्लीन हो जाऊं, जिससे मुझे पुनः माया के चंगुल में बाहर निकल कर नहीं फंसना पड़े। बेटर है अंदर इस कष्ट जो, अब ये तो प्रैक्टिस हो गई इस कष्ट को भोगने की। वो माया गर्भ के भीतर बाहर समान रूप से कार्य करती, किंतु चातुरी इसमें है कि कृष्ण भक्ति की जाए जिससे उसका प्रभाव उतना बुरा ना पड़े, इसी में चतुराई है। भगवद गीता में कहा गया मनुष्य की बुद्धि उसका मित्र है और शत्रु भी है, ऐसे मन के लिए भी किया गया। यहाँ पर इसी भाव की पुण्यति सुहृदात्मनेव मित्रवत बुद्धि, कृष्ण की सेवा में तथा कृष्ण की पूर्ण चेतना में बुद्धि की तल्लीनता ही आत्म साक्षात्कार तथा मुक्ति का मार्ग। वृथा इक्षुभ दिवे बिना, यदि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब करते कृष्ण भक्ति की विधि ग्रहण करें, तो जन्म मृत्यु के चक्र को सदा रोका जा सकता। यहाँ प्रश्न उठाया जा सकता है कि कृष्ण भक्ति संपन्न करने के लिए आवश्यक सामग्री के अभाव में शिशु माता के गर्भ में कृष्ण भक्ति किस प्रकार कर सकता है, माता के गर्भ में किस प्रकार कर सकता है शिशु। अगर कोई बोले कि ठीक है आप कृष्ण भक्ति करो, तो माता के गर्भ में कैसे, तो शिशु माता के गर्भ में ही रहना चाहता है, साथ ही माया के चंगुल से मुक्त होना चाहता है, तो कृष्ण भक्ति के अनुशीलन के लिए किसी भौतिक व्यवस्था आवश्यक नहीं है। कोई कहीं भी कभी भी कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करता है, भक्ति बसते वो कृष्ण का निरंतर चिंतन करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, का जप माता के गर्भ में भी किया जा सकता है। सोते जागते काम करते यहाँ की माता के गर्भ में, उससे बाहर भी जप किया जा सकता है। शिशु की प्रार्थना का सारांश है, मुझे इसी अवस्था में रहने दे, भले दुखद स्थिति में हो कि तो बाहर जाकर माया के चंगुल में पड़ने से यह श्रेष्ठकर है। इस प्रकार इस जंतु की, जिसको बोला जंतु वाचा, मतलब जंतु की, शिशु की प्रार्थना खत्म हुई। अल्टीमेटली बोल रहा है मुझे इसी अवस्था में रहकर, भले दुखद स्थिति में हो किंतु तो बाहर आकर माया के चंगुल पड़ने में रहने सिस्टर की माता के गर्भ में रह के भगवान का नाम। अब ये तो माता के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको कितना अवसर दे रही है। वो खिला पिला तो रही है, सब मिर्च मसाला खिला रही है, लेकिन उसको कितना अवसर दे रही है कृष्ण भक्ति का, ये माता के ऊपर निर्भर। इस प्रकार से जंतु अपनी प्रार्थना खत्म करता, उसके बाद भी भगवान कपिल उसका उत्तर देंगे, उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। अभी समय भी हो गया, इसको यहीं पे विराम देते। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।